जाता है। हल्का सा नमक इसलिए मिलाया जाता है कि जब आप इस नॉर्मल सेलाइन यानी एनएस को चढ़ाइएगा तो शरीर में पानी की कमी को वो पूरा कर देगा। जैसे किसी मरीज को डायरिया हुआ है, आपको पता है बाबू डायरिया में बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगता है। हैजा में पता कीजिए, हैजा यानी कॉलरा में लूज मोशन के साथ साथ उल्टी भी होने लगता है। शरीर का सारा फ्लूड यानी पानी खत्म हो जाता है, शरीर का पानी खत्म हो जाता है, शरीर नहीं उठता इसे एकदम, थोड़ा शरीर उठ भी नहीं करेगा, शरीर नहीं उठता है। अब ब्रेन को तो सोडियम की कमी हो जाती है, तो क्या चढ़ाया जाता है? नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन में चुपचाप एकदम शुद्ध जल होता है और हल्का सा नमक होता है। नमक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। नॉर्मल सेलाइन का काम और भी होता है, जैसे कहीं कट गया है डॉक्टर के पास जाएगा तो पानी से नहीं धुलता है, वो इस नॉर्मल सेलाइन से धुलता है। क्योंकि किसी के हैंडपंप का पानी शुद्ध आता है, किसी के हैंडपंप का पानी खराब आता है, तो क्या बिस्लरी से धोने वाला है, वो नॉर्मल सेलाइन से जुड़ेगा। तो नॉर्मल सेलाइन में शुद्ध जल होता है, हल्का सा नमक होता है जो एंटीसेप्टिक का भी काम कर देता है। ये नॉर्मल सेलाइन किसी मरीज को चढ़ा सकते हैं। शुगर के मरीज को चढ़ाने में सबसे इजी होता है नॉर्मल सेलाइन, क्योंकि शुगर के मरीज का पता चला शुगर हाई है और आप उसको ना ग्लूकोज वाला पिला दीजिएगा, उसका शुगर एकदम हाई हो जाएगा, बहुत सीरियस बीमार पड़ जाएगा, बचने की जगह मर भी सकता है। तो नॉर्मल सेलाइन किसी को चढ़ा सकते हैं, यह शुद्ध जल होता है, एक्सीडेंट के बाद घाव धुलने के काम में आता है, इसमें पानी और थोड़ी सी नमक की मात्रा होती है और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल सेलाइन होता है। सस्ता मिलता है, आधा लीटर मिल जाएगा आपको 30-35 पे। अब कितना का मिलता है अब ये दुकानदार समझेगे लो, बहुत सस्ता मिलता है। हमको लगता है नॉर्मल सेलाइन 20-25-30 तक, 20 से 30 में आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर लोग कितना में देता है अब अलग बात है, लेकिन आ जाना चाहिए। इसमें MRP लिखा है 19 रुपया, ना 19 रुपया ना लिखा है जी, मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 95 रुपया लिखा है, 19 रुपया नहीं है, वो महंगा आ जाता है। सस्ता पड़ता है 30-30 रुपया ही पड़ता है, बिकता भले 100 रुपया है। देखिए हम बिकने वाला रेट नहीं बता रहे जी, यहाँ पे 19 रुपया नहीं लिखा है, अप्रैल 2019 लिखा था, हमको लगा 19 रुपया में कहाँ से दे दिया, 95 रुपया लिखा है इसके ऊपर, 95 रुपया लिखा जरूर है, लेकिन दुकानदार को ये पड़ा होगा 30-35 रुपये में। डॉक्टर के दवाइयों पे सबसे ज्यादा मार्जिन है, सबसे ज्यादा। अच्छा, वहाँ कोई मोलाई भी नहीं करता, दुकान पे जाइएगा अगर 95-95 रुपया हुआ ना, या सीधे मान के चलिए 98 रुपया हुआ, तो आपको 100 रुपया ले लेता है। आप 1 रुपया नहीं कम करा पाते हैं दवाइयों की दुकान पे, शुरू से उन्होंने कम ही नहीं किया है, जबकि सबसे ज्यादा मार्जिन दवाइयों पे, सबसे ज्यादा मार्जिन दवाइयों पे। अच्छा, अगर ये चीजें ऑनलाइन हो गई तो इनमें बहुत लॉस होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो कंपटीशन के चक्कर में सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो ये लोग विरोध कर देते हैं कि नहीं हमारा रोजगार चला जाएगा, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। तो अब दवाइयों की दुकान पे भी ऑफर आने लगा है, 25% छूट, 20% छूट, हमारे पास से दवाई खरीदिए, फ्री में दवाई का छिलका ले जाइए, मतलब अलग अलग टाइप का दवाई का कवर तो फ्री में कोई दे सकता है। NS समझ में आया, NS इसमें ना एनआर